नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोहित्रा। पिछले एक महीने से सत्ता की लालच में नेपाली पीएम क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे बयान देकर सदियों पुराने भारत नेपाल के रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। इसी बीच नेपाली राजनीति में भूचाल आ गया और ओली के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, जिसका नतीजा यह है कि आज केपी ओली के सामने दो ही विकल्प बचे हैं और वो विकल्प है पार्टी के साथ ही साथ पीएम पद से इस्तीफा देना। इसी कड़ी में नेपाल की राजनीति में गुरुवार का दिन बेहद गहमा गहमी वाला और अटकलों भरा रहा। हर पल के साथ ये राज गहराता जा रहा था कि आखिर देश की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सरकार का हश्र दिन के अंत तक क्या होगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और एनसीपी के को चेयरमैन पुष्प कमल दहल के बीच बनी खाई कभी गहराती दिखी तो कभी लगा कि पट भी सकती है। हालांकि दिन बीतने के बाद भी अभी तक ये साफ नहीं है कि नेपाल की राजनीति में उठा तूफान शांत हो गया है या और भयावह रूप लेने वाला है। अब नजरें पीएम ओली पर हैं, जिनके पास अपनी कुर्सी और सम्मान बचाने के लिए गुरुवार के दिन भर के घटनाक्रम के आधार पर कुछ ही विकल्प दिखाई दे रहे हैं। खबरों के हिसाब से सुबह 11 बजे पीएम ओली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलने उनके आधिकारिक आवास गए और यहाँ बजट सत्र रद्द करने के बारे में बात की। ओली ने कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने बजट सत्र को रद्द किए जाने की मांग की। इसके पीछे काठमांडू में फैले कोरोना वायरस को वजह बताया। ये भी कहा कि एमसीसी और नागरिकता बिल को छोड़कर कोई और बड़ा एजेंडा नहीं है जिस पर चर्चा की जरूरत हो। कैबिनेट ने बात मान ली और संसद का सत्र रद्द कर दिया। राष्ट्रपति ने इस बात का ऐलान कर दिया, लेकिन दहल समर्थक स्पीकर अग्नि सपकोटा को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। ऐसे में ये माना गया कि शायद ओली इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थक गुरुवार को पार्टी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पुष्प कमल दहल के निवास पर पहुंचे थे। इनमें पूर्व स्पीकर सुभाष नेमबांग, रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल, विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली, प्रांत 5 के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल, सलाहकार विष्णु रिम और गंदाकी प्रांत के मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग शामिल थे। ये लोग दहल और ओली के बीच सुलह कराने पहुंचे थे ताकि पार्टी और सरकार पर आया संकट टाला जा सके। माना जा रहा था कि शायद दोनों कद्दावर नेताओं के बीच बात बन भी सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो माना जा रहा है कि अगर दहल प्रधानमंत्री पद लेते हैं तो ओली पार्टी अध्यक्ष का पद मांग सकते हैं, क्योंकि मार्च में ओली ने सहमति जताई थी कि वो पार्टी के कार्य छोड़ देंगे और दहल कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन ओली ने सरकार और पार्टी दोनों की कमान संभाले रखी और फिर धीरे धीरे सरकार की आलोचना के साथ पिछले हफ्ते दहल ने इस्तीफे की मांग कर डाली। देखना होगा कि आगे क्या होता है, वो इस्तीफा देते हैं या पार्टी को दो फाड़ करते हैं।